बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी पहुंचे अपनों के बीच। देखने को मिल रहा है यहां पर मुनव्वर के लिए जन सैलाब। आखिर किसके पास पहुंची है ट्रॉफी? हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जयसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। फिर से कमाल कर दिखाया है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने। लॉकअप सीजन 1 जीतने के बाद अब बिग बॉस 17 भी जीत चुके हैं मुनव्वर फारूकी। यहां पर बीते रात उन्होंने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी के साथ साथ 50 लाख रुपए और साथ ही साथ ह्यूंडई की न्यूली लॉन्च वर्ना कार भी पाई है खिताब में। साथ ही साथ यहाँ पर उनका जन्मदिन भी था। अपने दोस्त एमसी स्टैन के साथ उन्होंने केक कट करके अपने जन्मदिन को और भी ज्यादा खास बना दिया अपने फैंस और अपने पूरे परिवार के लिए। फैंस की अगर बात करें तो आखिरकार डोंगरी ट्रॉफी वापस आ ही गई है और अब ऐसे में यहाँ पर मुनव्वर फारूकी अपना धर्म और अपना प्यार निभाने के लिए पहुंच चुके हैं डोंगरी में। तस्वीरें सामने आ गई है, मुनव्वर फारूकी डोंगरी पहुंच गए हैं अपने फैंस को थैंक यू बोलने के लिए। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि अपने आइडल मुनव्वर फारूकी अपने चहेते और उनके इस बिग बॉस 17 की ट्रॉफी को देखने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई है। मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस 17 के विनर के रूप में आप कितना ज्यादा आप पसंद कर रहे हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।